और दोस्तों क्या हालचाल, समस्त है? वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फाइनली हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, लेकिन बहुत मशक्क़त के बाद भाई। ये रहा देखो गेट, और यहाँ भी फिलहाल ना बहुत सारे लोग आए हुए हैं, और साहू जी यहाँ फोटो शूट में लग गए पहले ही। वाह, और साहू जी का ये भाई है, चाचा का लड़का ना है? क्या नाम है तुम्हारा? दीनानाथ साहू। दीनानाथ चौहान, जिंदाबाद साहू है वो भी। तो कल मैं वही तो सुबह वही मैं पहुंच गया था 6 बजे के आसपास। उसके बाद साहू जी के यहाँ गया, मतलब जो रूम लिए थे वहाँ मैं नहाया धोया, और अभी हम लोग जस्ट यहाँ पे आ चुके हैं। आप देखते हैं 8 बजे से एंट्री बोले थे सर, देखते हैं क्या माहौल होता है। ब्लॉग में बने रहिएगा। पहली बार दिल्ली आया हूँ और पहली बार इतने बड़े इवेंट में भी आया हूँ, तो प्लीज़ साथ देना, आप लोग भी साथ में बने रहना, देख लेना भाई कैसा क्या होता है। हाँ, खिंचा ले बाबूलाल, खिंचा ले पीछे। फिलहाल हम लोग यहाँ पे ब्लॉग बना रहे थे, एक भैया मिले हैं। तो कहाँ से अभी आप? से। क्या बोलती पब्लिक? क्या बोलती पब्लिक? क्या क्या बोलती पब्लिक? मचाने को मचाने को नहीं। अरे तो भैया मिले हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रोहन, मैं भाई के रोज डेली ब्लॉग देखता हूँ, बहुत बढ़िया है। लोग बोलिए बोलिए। आपके ब्लॉग देखता हूँ डेली। आप भी ब्लॉग बनाते हो कि? मैं ब्लॉग नहीं बनाता, मैं वैसे घूमने फिरने आए थे। घूमने फिरने आया था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रोहन, मैं हूँ दिल्ली से। कमेंट किए थे आपका भी एक बार? कमेंट तो मैं वैसे ज़्यादा किया नहीं, मैं वैसे ज़्यादा वैसे यूट्यूब चलाता नहीं हूँ। अच्छा हाँ। पर फिर भी मैंने यूट्यूब चलाया, उसके बाद मैंने पहले आपकी वीडियो देखी थी। हाँ। तो ये लगा लो यूट्यूब की शुरुआत ही मेरी आपसे हुई। अरे वाह। और यहाँ पे देखिए मेरा कॉन्टेंट भी आ गया है। ये तो मेरा कॉन्टेंट नहीं भाई, ये रहा देखिए, ये रहा मेरा कॉन्टेंट, एक मेरा कॉन्टेंट भी है। हाँ खिलाइए, घूमे जाना है, चलो आओ। तो दोस्तों फाइनली गेट खुल चुका है और सारे लोग अंदर जा रहे हैं, और हम दोनों उधर बाहर घूम रहे थे। भीड़ बहुत ज़्यादा है भाई। चलो चलो, तो दोस्तों अंदर घुसने से पहले ना अपन को पास दिखाना था, लेकिन इतना भीड़ था कि धक्का धक्के सब अंदर आ गए। अब पास दिखाना पड़ेगा आगे से। और साहू जी ठीक है सर, कैसा लगा सर? अरे मेरे दोस्त, अब यहाँ लाइन लगना पड़ेगा शायद। गोल्ड वाला कहाँ है? ये प्लेटिनम वाला है, देखिए ये रहा प्लेटिनम वाला, और अपन का तो गोल्ड है। गोल्ड में ज़्यादा भीड़ होगा। गोल्ड में ज़्यादा भीड़ होगा, कहाँ है गोल्ड वाला लाइन? ओके साहू जी, तो यहाँ भैया हैं जुनू टेक वाले, ये देखिए। तो अभी सारे लोग ना लाइन छोड़ के वहाँ जा रहे हैं देखो अभी फिलहाल, और हम लोग तो यहीं पे खड़े थे। लाइन हम लोग ना लाइन लगे नहीं थे। देखो क्या हुआ था, अभी थोड़ा सा वीक लग रहा था ना मैं, उसके बाद जी रजिस्ट्रेशन हो रहा है गोल्ड वाला। गोल्ड का हाँ यहाँ हो गया, इसमें आपके पास है पास है? हाँ इसमें जाइए ना, इसमें चल जाइए। तो मैं क्या बोल रहा था, हम लोग लाइन में लगे नहीं थे, मैं गया था थोड़ा सा बाहर फ्रूट चाट खा रहे थे, उसके बाद आए तो भैया मिल गए तुरंत। तो फिलहाल अभी दोस्तों ना सिक्योरिटी चेक से अंदर आ गए हैं। साहू जी का नहीं पता कौन चेक हो रहा, हो गया कहा है भाई? नहीं जाने दे रहे। तो वहाँ प्यास लगेगा तो देंगे देंगे ना, पता नहीं। तो फिलहाल अभी हम लोग 16 नंबर गेट पे आ चुके हैं, और बैंड वगैरह दिखाना पड़ता है, उसके बाद एंट्री करेंगे। चलिए चलते हैं अपन। साहू जी साथ में रहो यार, बैंड ये अंदर आ गए, और इधर से किधर होना नहीं पता। तो फिलहाल हम लोग अभी सिल्वर, अच्छा ये गोल्ड वाला है ना, गोल्ड सिल्वर। तो फिलहाल हम लोग अभी पहुंच चुके हैं स्टेडियम में, ये देखिए। ओ भाई साहब तगड़ा गोल्ड वाला कहाँ है मेरे को नहीं पता, सिल्वर वाला सारा कुछ ऊपर में है मेरे ख्याल से, और गोल्ड वाला देखिए यही है अपना, कहीं भी बैठ जाएंगे। ये कुछ ऐसा है भाई, आगे वाला ही देखते हैं। आगे आगे कहाँ खाली, जगह खाली होगा अभी नहीं देख। Yeah.
जी मैं इनवाइट करती हूँ अमरीश सर, प्लीज आप भी मंच पे आए। अमरीश जी आपका होना तो बहुत इम्पोर्टेंट है, हम आपके बिना कैसे चल सकते हैं आगे। अमरीश जी आइए। और दोस्तों अब बारी आती है उस शख्सियत को इनवाइट करने की जिनको हम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करने जा रहे हैं, क्योंकि आप सब क्रिएटर हो। सो चले चले बनना अभी दोपहर के ना 2 बजने वाले हैं और अभी लंच का ब्रेक हुआ है और जो पास है ना उसी से मिलेगा ना, पास के हिसाब से हाँ उसी से मिलेगा। लेकिन यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है भाई, वाह देखते हैं। लीजिए हाँ साहू जी चले तो नाश्ता करके आ गया हूँ, खाया के भीड़ लगाया भैया। अरे वाह सर, धर्मेंद्र सर, धर्मेंद्र सर नंबर चाहे अपने मैनेजर का दे। अरे सांस लेने दो भैया एक बार उनको। साहू जी तुम भी लग गए यार। ये धर्मेंद्र सर हैं, जब 2016 में मैंने ना YouTube चैनल जब क्रिएट किया था तो इनकी वीडियो देखी थी मैंने, और एक क्या कैसे एकता मैडम थी सिंगापुर की, उनकी वीडियो देख के बनाया था मैंने, और इन्हीं के वीडियो देख के समझ लो ना मैं YouTube चैनल स्टार्ट किया था। मैं और साहू जी ना झुंड खोज लेते हैं और चले जाते हैं देखने के लिए। कौन है भैया सांस लेने दो, बहुत ज़्यादा भीड़ है। पता नहीं कौन है, नहीं पता। शॉर्ट्स का जब इतना टोन लेना देखो तो ऑटोमेटिक लेगा, मतलब पागल बनाते कि ये डाल लो वो डाल लो जो भी है ना लगता है। जिसकी जैसे भाई मैं आज क्रिएटर डाल दिया, आगे फायर डाल दी दो, कुछ अलग सा एक्सप्रेशन डाल दिया आपने, उसके बाद क्या सब्सक्राइबर बन तो सही बता रहा हूं ना, उसके आगे ना हैशटैग शॉर्ट्स डालो 550 का आएगा, 550 का ही डालना, 120 का नहीं डालना है। उसके बाद फिर शॉर्ट डालो उस पे आएगा आपका 132 का, उसके बाद डालो यूट्यूब शॉर्ट्स, फिर वायरल शॉर्ट्स ऐसे डाल दो 4-5 डाल दो तक 100 ना, उसको करो टिक अनलिस्टेड करके डाल दो और ना उसको फिर आप जैसे पब्लिक, अरे सुनो यार बता रहा हूं, पब्लिक करने के बाद कुछ मत करो, पापा का फोन लेना और है ना कुछ चैनल तो खोलना ही नहीं है भाई, देखो चैनल नहीं खोलना है ना, अपना चैनल डालना, रिफ्रेश कर वैसे रिफ्रेश कर इधर शॉर्ट आएगा छीला तूने सब्सक्राइब करा उस पर क्लिक कर देना उसको, मैं कह रहा हूँ 1 मिनट तक चलने दियो, लाइक कर दो वो दूसरे तक जाएगा, जैसे वो क्लिक करेगा वो 10 बंद होता जाएगा और वो 1200 व्यूज पे रुक जाएगा, वो आगे नहीं जाएगा। लेकिन ये वो लगना चाहिए ये अच्छा हुआ या नहीं हुआ, अच्छा हुआ या नहीं हुआ, मस्त हुआ या नहीं हुआ, आप सभी लोग बोलिए भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के, अमरीश भैया के परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। सभी लोगों को लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, और ज्यादा वक्त मैं नहीं लूंगा और फिर से बहुत बहुत मोहब्बत। अब हाय सनी देओल, एक मिनट बाबूजी। बाबूजी मैं काजल से प्यार करता हूँ, काजल तुम ही बताओ ना बाबूजी को मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। साहू जी कहीं और थे, मैं कहीं और, क्योंकि ना देखो साहू जी का क्या था, कभी वो इधर भाग जाए कभी उधर भाग जाए,
प्लेटिनम में कहीं, गोल्ड में कहीं, वीआईपी में, और मैं एक जगह बैठा रहता था, और फिर कभी मैं भाग जाऊँ तो वो बैठा रह जाए। तो उसके मोबाइल में बहुत सारी फ़ोटो हैं, वो बहुत सारे लोगों से मिला, मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो चुका था, तो मैं एक कोना में था। क्या होता है, जैसे कभी हम लोग घुस गए प्लेटिनम में, लेकिन प्लेटिनम में जो गार्ड था वो अगर बाथरूम कर गया ना, तो हम लोग गोल्ड में से प्लेटिनम में चले जाते थे, और जब बाथरूम करके आ जाया करता था गार्ड, उसके बाद क्या करते थे, बाहर ही हम लोग को नहीं जाना जाया करते थे। तो उसके बाद में दोस्तों हम लोग बाहर नहीं जाया करते थे, क्यों, अगर बाहर जाएंगे तो फिर से बैंड दिखाना पड़ेगा प्लेटिनम वाला। तो कभी मैं वीआईपी में, साहू जी प्लेटिनम में, तो मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था, और मैं पावर बैंक भी मतलब चार्ज नहीं था मेरा। फिर मैं बहुत सारे लोगों से मिला, मनोज से मिला, फोटो क्लीन कर पाया, साहू जी कहीं और अलग थे, ठीक आदमी लाया, और ज्योति भाभी, तो अब मैं भाभी क्यों बोलूँगा यार, ठीक है, सब लोग वहाँ भाभी भाभी चिल्ला रहे थे, वो दूर थी। नियर मैन से मिला, एक आदर्श है जो उमेगल पे वीडियो बनाते हैं वो, और एक गौरव ठाकुर, वो बहुत सारे लोग, मतलब काफ़ी अच्छा लगा यार। तो चलो भाई, पहला था, और आई होप कीप सपोर्टिंग, बनाए रखना, मैं भी कहूँ जाऊँगा कभी जाऊँ स्टेज पे, मेहनत देखो जारी रहेगी, ठीक है, पक्का मेहनत जारी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लॉन्ग में, कही हो अंगूर खा लो, कहाँ अंगूर, ऐसे अंगूर खा रही थी अभी शशि की मम्मी, शशि की मम्मी नहीं, डूडू की मम्मी। चलिए बाय बाय।